पिछले कई वर्षों से पृथक विदर्भ की मांग की जा रही है, किंतु सरकार की ओर से इस मांग की तरफ अनदेखी हो रही है। इसके विरोध में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने नागपुर में शुरू हो रहे शीत सत्र के पहले ही दिन 11 दिसंबर को विदर्भ बंद की घोषणा की है। इस बंद को जिले के कई संगठनों ने समर्थन घोषित किया है। नागपुर करार कर विदर्भ को संयुक्त महाराष्ट्र में शामिल किया गया, लेकिन इस करार का पालन नहीं करने से विदर्भ में सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, रोजगार, नौकरियां, बिजली आपूर्ति, सहकार आदि क्षेत्रों में व्यापक अनुशेष निर्माण हुआ है। विदर्भ का पिछड़ापन लगातार बढ़ रहा है। सभी समस्याओं का हल पृथक विदर्भ राज्य ही है। छोटे राज्य से विकास को गति मिलेगी। महाराष्ट्र में विदर्भ का विकास रुका है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, इसलिए पृथक विदर्भ राज्य का गठन तुरंत किया जाना चाहिए। इसी मांग के चलते विदर्भ बंद की घोषणा की गई है। इसे जिले के कई संगठनों ने समर्थन घोषित किया है। गांधी चौक स्थित व्यापारी एसोसिएशन ने भी इस बंद को अपना समर्थन दर्शाया है। बंद के दौरान सभी व्यापारी प्रतिष्ठान, शाला, महाविद्यालय आदि बंद रखे गए। साथ ही सार्वजनिक शांति, कानून व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए आंदोलन करते प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक दुकानदार गोल बाजार च्या समिति ने अपने समर्थन जाहिर केला आहे, त्यांनी ठराव पारित केला आहे आणि आज दुकाने बंद ठेवण्याचा त्यांनी ठराव पारित करून ते आपल्या सोबत आपल्या या विदर्भाच्या आंदोलनामध्ये आहेत। प्रत्येक विदर्भात राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला विदर्भ वेगळा झाला पाहिजे ही त्याची भूमिका आहे। आणि शांत चित्तानं शांततेनं दुकानं स्वतःहून बंद करतात, त्यामध्ये एखादा जर कोणी खूपच तर त्याला आम्ही विनंती करत आहोत आणि त्याने तो बंद करत आहे, त्यामुळे संपूर्ण सहकार्य आपल्याला मिळत आहे आणि यामध्ये प्रत्येक विदर्भवादी कार्यकर्ता हा आपल्या सोबत आहे हे आपण ध्यानात घेतलं पाहिजे। विदर्भ